नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आईएनएस न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हंगामेदार कार्यवाही के चलते बुधवार तक के लिए स्थगित राज्यसभा, वहीं राज्यसभा में पास हुआ एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल, विपक्ष ने बिल का किया विरोध। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने दी जनता को सौगात, कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन, साथ ही घोटाले को लेकर पिछली सरकार पर साधा निशाना। कोरोना के 83,000 से ज्यादा नए मामले के साथ कुल आंकड़ा 49 लाख के पार, देश में अब तक 80,000 से ज्यादा लोगों की गई जान, रिकवरी रेट में हो रहा सुधार। मानसून सत्र की शुरुआत सोमवार यानी कि 14 सितंबर से हो चुकी है, तो आज दूसरे दिन राज्यसभा की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही, तो इसी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही को कल सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसी दौरान एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल को भी पास कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष प्रश्नकाल को लेकर अब भी सरकार पर हमलावर है। तो आइए आपको सुनाते हैं विपक्ष का क्या है कहना। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सोमवार से 18 दिनों के मानसून सत्र की शुरुआत हुई। सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को पहले राज्यसभा की कार्यवाही हुई। ऊपरी सदन की कार्यवाही सुबह 9 बजे शुरू हुई। इसी के साथ ही मंगलवार को चली लंबी बहस के बाद राज्यसभा में वायुयान संशोधन विधेयक यानी एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया गया। राज्यसभा में कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इस बिल का जमकर विरोध किया है। वहीं मानसून सत्र में प्रश्नकाल न होने को लेकर विपक्ष अब भी सरकार पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं एक बार फिर विपक्षी दलों ने प्रश्नकाल न होने पर सरकार पर हमला बोला। टुडे इज इंटरनेशनल डे फॉर डेमोक्रेसी, बट व्हाट आर वी सीइंग इन पार्लियामेंट? टोटल मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। क्वेश्चन आवर 18 घंटा बंद, लोकसभा राज्यसभा में बंद, नो क्वेश्चन आवर। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अ रेगुलर सेशन, लास्ट टाइम हुआ था एक बार 1962 चाइना इन्वेजन, दैट वॉज द टाइम। नंबर टू, जीरो आवर का नाम भी बदलना चाहिए, क्योंकि अभी 0 आवर से 0:30 मिनट हो गया। नेक्स्ट सेशन में शायद 0 आवर दो मिनट हो जाएगा। स्पॉन्सर भी मिलेगा जब 0 आवर 2 मिनट होगा, तब होगा मैगी 0 आवर। चौथा, आउट ऑफ एवरी 10 बिल्स ओनली 1/3 ऑफ द बिल्स सांसद जो कमिटी है स्क्रूटनी के लिए, ओनली 1/3 ऑफ द बिल्स आर गोइंग फॉर स्क्रूटनी। ऑपोजिशन इज नॉट बीइंग गिवन एनी चांस। ऑर्डिनेंस राज हो गया, क्योंकि 11 ऑर्डिनेंसेस कम, नन ऑफ दीज हैव बीन गोइंग टू सम कमिटी। दिस इज नॉट द वे टू रन पार्लियामेंट इन इंटरनेशनल, ऑन इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे। वी वॉन्ट पीपल, नॉट ओनली द इंडियन मीडिया टू नो, वी अपील टू द इंटरनेशनल मीडिया इन यूरोप, इन अमेरिका, इन अफ्रीका, in Asia, that in the democracy here is being mocked at in parliament. If you are take up other subjects, question hour also you can take up, because question hour is the members' right. Government could not deny members' right, because question hour is the honorable members can ask start question in Lok Sabha to honorable ministers. But that opportunity has lost this session. बहरहाल मंगलवार को राज्यसभा की कार्यवाही में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए की ओर से नीतीश कुमार का चेहरा भले ही आगे हो, लेकिन पीएम मोदी अपने वोटरों को लुभाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। पीएम मोदी हर दिन कोई ना कोई ऐसी ऐतिहासिक योजना अपनी जनता को सौंपे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि पीएम मोदी ने आज ऐसी क्या घोषणा की है, देखिए। बिहार में आने वाले कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है, सभी पार्टियां मैदान में कूद पड़ी हैं। तो वहीं विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को 541 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान पीएम मोदी ने जल से जुड़ी योजना का उद्घाटन किया। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि जिन 4 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है, इससे शहरी गरीबों का जीवन आसान बनाने की दिशा में नई सुविधाएं मिली हैं। सिवान और छपरा में पानी से जुड़े प्रोजेक्ट्स भी शामिल है। इसके अलावा मुंगेर और जमालपुर में पानी की कमी को दूर करने वाली जलापूर्ति परियोजनाओं और मुजफ्फरपुर में नमामि गंगे के तहत रिवर फ्रंट डेवलपमेंट स्कीम का भी आज शिलान्यास किया गया है। शहरी गरीबों, शहर में रहने वाले मध्यम वर्ग के साथियों का जीवन आसान बनाने वाली
इन नई सुविधाओं के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने इस दौरान विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। बिना नाम लिए पीएम मोदी ने पिछली सरकार में हुए घोटालों को लेकर कहा कि बिहार के गांव एक समय में पिछड़ते चले गए, बिहार के शहर बदले दौर के हिसाब से अपग्रेड नहीं हुए, जो भी काम हुए थे वो घोटालों की भेंट चढ़ गए। एक दौर ऐसा भी आया जब बिहार में मूल सुविधाओं के निर्माण के बजाय राज्य के लोगों को आधुनिक सुविधाएं देने के बजाय प्राथमिकताएं और प्रतिबद्धताएं पूरी तरह बदल गई। नतीजा ये हुआ कि राज्य में गवर्नेंस से फोकस ही हट गया। इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार के गांव और ज्यादा पिछड़ते गए, और जो शहर कभी समृद्धि का प्रतीक थे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ती आबादी और बदलते समय के हिसाब से अपग्रेड हो ही नहीं पाया। सड़कें हो, गलियां हो, पीने का पानी हो, सीवरेज हो, ऐसी अनेक मूल समस्याओं को तो यानी या तो उसको टाल दिया गया या फिर जब भी इनसे जुड़े काम हुए वो घोटालों की भेंट चढ़ गए। वहीं इससे पहले 10 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को मत्स्य पशुपालन और कृषि विभाग से जुड़ी 294 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी। कोरोना वायरस का आंकड़ा देश में 50 लाख के करीब पहुंचने वाला है। पिछले 24 घंटे में 83,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसकी वजह से आंकड़ा अब 49 लाख के पार पहुंच चुका है, और पिछले 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया के साथ साथ भारत में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते कुल मामलों की संख्या 49 लाख को पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से देश में पिछले 24 घंटों में 83,809 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 1,054 लोगों की मौत हो गई है। देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 49,30,236 हो गई है। इनमें से 80,776 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हैं, साथ ही सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस भी हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 17,066 कोरोना मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या 10,77,374 हो गई है। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,571 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 26 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 2,21,533 हो गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 62 और मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 6,829 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक 3,17,195 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। दुनिया में कोरोना के मामलों में भारत दूसरे नंबर पर है, जिसके चलते लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी। राजधानी में रेलवे लाइन के किनारे बसी झुग्गियों को फिलहाल के लिए नहीं हटाया जाएगा। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी है। सरकार ने अदालत में कहा है कि शहरी विकास मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय और दिल्ली सरकार एक साथ बैठकर इस मसले का हल 4 हफ्ते में निकालेंगे, तब तक के लिए झुग्गियों को नहीं हटाया जाएगा। देखें रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से देश की राजधानी दिल्ली में रेलवे ट्रैक के पास मौजूद झुग्गियों पर बवाल मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद विपक्षी दल झुग्गी तोड़ने के फैसले का जमकर विरोध किया, लेकिन अब रेलवे लाइन के किनारे बनी झुग्गियों को नहीं हटाया जाएगा। ये जानकारी केंद्र सरकार की तरफ से अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय को दी। सरकार ने अदालत में कहा कि शहरी विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय और दिल्ली सरकार एक साथ बैठकर 4 हफ्तों में इस मामले का हल निकालेंगे, तब तक झुग्गियों को हाथ नहीं लगाया जाएगा। बता दें कि इससे पहले मामले पर 3 सितंबर को सुनवाई हुई थी, तब अदालत ने दिल्ली में 140 किलोमीटर तक रेल पटरियों के किनारे बनी 48,000 झुग्गी बस्तियों को 3 माह के भीतर हटाने का निर्देश दिया था।
पिछली सुनवाई में अदालत ने कहा था कि इस कदम के क्रियान्वयन में किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस फैसले का जमकर विरोध किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।